सो नाउ वी नो अबाउट कि आप अपने ऐप को ऑटो रन कैसे कर सकते हो द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज यू यू आई डी ओके तो यू यू आई डी आपका क्या होता है बेसिकली दैट इज़ अ यूनिक आई डी और हमें यूनिक आई डी की जरूरत कहाँ पर पड़ सकती है अगर अभी आप देखो यू नो इन दिस सब कुछ बिल्कुल सिंपल है ठीक है लेकिन वट इफ अगर आपके दोनों नेम सेम हो जैसे कि अगर अभी की हम लोग बात करें uh, मेन्यू में एक रेस्टोरेंट की मेन्यू में दोनों आइटम सेम होना इज नॉट पॉसिबल राइट लेकिन अगर आप कोई और ऐप बना रहे होते विच इज़ लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट तो उस केस में एक लाइब्रेरी में एक नाम से बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं तो उस केस में आप कैसे मेंटेन करोग की वाली बुक दूसरी वाली बुक से अलग है ठीक है तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे कर मेंटेन करने के लिए वी क्रिएट यूनिक आईडीज़ फॉर ईच ऑफ द आइटम दैट वी हैव ठीक है सो वट आई एम गोइंग टू डू एक पाइथन के अंदर या तो आप ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर ऐसे बना सकते हो यूनिक आई डीज ठीक है समथिंग लाइक दिस राइट और इसको हम लोग अभी लिस्ट है इसको हम बना लेंगे डिक्शनरी है ना लेकिन एक uh, और कंसेप्ट है पाइथन में दैट इज कॉल्ड यूनिक आई डीज यू यू आई डी एज आई मैंशनड तो हम उसको यूज करने वाले हैं ओके सो वट आई एम गोइंग टू डू आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क सो आई जस्ट क्रिएट अल कॉल्ड टेस्ट डॉट पाई जहाँ पे इसके अंदर जा करके मैं लिखूंगा इम्पोर्ट यू यू आई डी ये आपका पैकेज है जिसको आपको इम्पोर्ट करना है ठीक है देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे यू यू आई डी जिसके अंदर आपके पास में यू यू आई डी वन टू थ्री फोर फाइव है अब इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं लेट्स चेक दैट आउट यहाँ पे मैं जाऊँगा सर्च फॉर यू यू आई डी पाइथन एंटर पहले ऑब्जेक्ट खोल लेते हैं यहाँ पे समर हेयर ईयर तो यहाँ पे इनके बारे में डिफ्रेंसेस हैं तो ये कह रहा है कि भाई जनरेट अ यू यू आई डी फ्रॉम होस्ट आई डी जो भी आपका सिस्टम का एड्रेस है सिक्वेंस नंबर और जो आपका करेंट टाइम है ठीक है अगर आप ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी दोगे तो वो ऑटोमेटिकली uh, आपका हार्डवेयर एड्रेस उठा लेगा वैसे तो ही आपका यू डी ई आई डी थ्री है यू यू आई डी फोर है तो इन सब के बारे में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो वट वी नीड इज जनरेट अ रैंडम यू यू ओ आई डी ओके तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा और वी आर गोइंग टू यूज यू आई डी फोर फोर ठीक है एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट द दैक्स वैल्यू ऑफ इट वेरी सिंपल एंड इफ आई गो एंड क्रिएट सॉरी रन टेस्ट डॉट पाई तो आपको यहाँ पे एक यूनिक आईडी मिल जाएगी एवरी टाइम आई एम गोइंग टू रन इट तो आपको यहाँ पे एक यूनिक आईडी मिल जाएगी एंड द बेस्ट पार्ट इसकी हमेशा आपकी यूनिक आई डी अलग होगी पुरानी यूनिक आई डी से दैट एग्जैक्टली इज वट वी नीड राइट नाउ राइट सो देर आर लाइकली टू बी नो चांसेस कि आपकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हो आपके पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर तो हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे अपने ऐप डॉट पाई के अंदर एंड द वे आई एम गोइंग टू यूज इट इज़ वेरी सिंपल लस टेक दिस आई डी ठीक है और यहाँ पे जाके मैं ऐप डॉट पाई के अंदर बट आई एम गोइंग टू डू

0123, we are just going to use this unique IDs. Okay. This is one way of doing it. We can also do one thing here. Just give me a second. Like this to properly understand it. Same, I'm going to add another unique ID here for this item. So let's copy this one. We are going to say this, this, and this. परफेक्ट तो इतना करने के बाद में जो अब हमारे नए आइटम्स हैं वो भी यूनिक आईडीज वाले ही होने चाहिए राइट सो दैट विल बी अनदर टास्क हेयर और अभी अगर मैंने जो सेव किया है रन इट प्लास्क रन पहले हम गेट आइटम्स वाली ए को कॉल करते हैं ठीक है सो एल जस्ट गो हेयर एंड

लेकिन जो बाकी ए पेज हैं वो भी आपकी काम नहीं करेंगी एरर देंगी एरर क्यों देंगी क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे नया आइटम ऐड किया वी ऑल्सो नीड टू एड द यूनिक आई डी विद डैट राइट उसके अंदर हम नया आइटम ऐड करेंगे सो लेट्स गो वन बाई वन सारी के सारी आइडियाज़ को हम लोग सही करते हैं ओके okay? तो यहाँ पे आपके पास में है गेट आइटम गेट आइटम एंड यहाँ पे नेम की जगह है लेट्स एक्सेप्ट आईडी ठीक है जो भी हमारे पास में ये आईडी है तो अब बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आपको फॉर लूप नहीं चलाना पड़ेगा सारे आइटम्स को चेक करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रिटर्न द आइटम विच हैव दिस यूनिक आई डी राइट और आपके पास में ऑलरेडी आइटम्स हैं ऊपर है ना जी सो वट यू हैव टू डू इज जस्ट से हेयर कि भाई रिटर्न यहाँ पे नेम की जगह आई कर लेते हैं रिटर्न 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 इज हमारा नाम क्या था ऊपर items देन हम ये ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं राइट साल जैसे रिटर्न आइटम्स तो वो वाला आइटम रिटर्न कर दो जिसकी आईडी ये है जो भी यूजर वहां से given करेगा गिव करेगा राइट तो बिल्कुल सिंपल है लेकिन अब ये वाला मैसेज हम कैसे रिटर्न करेंगे तो अगर आपको याद हो uh, कि जब भी आप कोई डिक्शनरी का आइटम या की यहाँ पे मेंशन करते हो और की नहीं मिलती तो एक एरर आती है कॉल्ड की एरर राइट तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको पता है कैसे करनी होती है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट राइट सो आई एम जस्ट गोइंग टू से ट्राई एक्सेप्ट की एरर अगर आपकी की एरर आती है उस केस में रिटर्न दिस ठीक है तो ये ट्राई करेगा इसको रिटर्न करने की अगर आपकी की एरर आती है डिक्शनरी में आपका आइटम एग्जिस्ट नहीं करता जो आईडी आपने पास किया है इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस वेरी सिंपल ठीक है तो ये तो आपको अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइटम गेट करना हो तो लेट्स गो एंड टेस्ट दिस एपीआई फर्स्ट तो ऐड आइटम आपके पास में हो गया परफेक्ट सॉरी ऐड आइटम्स नहीं गेट आइटम्स आपके पास में हो गया आई जस्ट सेंड दिस लेट्स से मुझे मोमोज का यू नो डेटा चाहिए सो आई आई जस्ट कंट्रोल सी हम जाएंगे गेट आइटम के ऊपर इंस्टेड ऑफ़ नेम दिस टाइम वी आर गोइंग टू पास आई डी एंड हेयर इंस्टेड ऑफ मोमोज वी आर गोइंग टू पास दिस सेंड किया तो आपको यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मिल गया ठीक है जी एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टिक 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 गो हेयर एंड एड अ न्यू आइटम और उससे पहले भी एक चीज़ हमें यहाँ पे चेंज uh, करनी है कि देखो जब एक पर्टिकुलर आइटम फैच कर रहे हो तब तो आपके पास में ये आ रहा है राइट right? लेकिन जब आप गेट आइटम्स कर रहे हो उस केस में आपके पास में यू you नो know, ये आई भी आ रही हैं देट्स स्ट्रेंज अगर आपको आई नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ यू uh, नो you know, ये आपको वैल्यू चाहिए सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आइटम्स डॉट वैल्यूज ठीक है इससे आपका क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रन दिस आइटम्स तो आपको एरर आ जाएगी सो जस्ट लेट मी चेक कि आपकी एरर क्यों आई है यहां पे ओके सो जबकि वैल्यूज आ रही है दैट इज एक्चुअली अ लिस्ट तो यहाँ पे जो रिटर्न करता है ये दैट इज अ क्या बोलते हैं उसको लिस्ट uh, ठीक है तो जो रिटर्न करते हैं वो हमारा होता है जेसन और जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपके पास में आइटम्स है आइटम्स के अंदर हम कर रहे हैं आइटम डॉट वैल्यूज और ये आपका डिक वैल्यूज नाम का डिक वैल्यूज नाम का यहाँ पे आ रहा है राइट सो वी हैव टू चेंज इट टू लिस्ट ताकि आपकी जो टिक वैल्यूज ऑब्जेक्ट हैं वो आपके पास में लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे सो सेव दिस एंड सेन इट दे यू गो ठीक है तो इस तरीके से आपके विदाउट यूनिक आईडीज आप आईडीज को निकाल सकते हो मतलब आइटम्स को निकाल सकते हो बट आई प्रेफर यूनिक आईडीज विद विद एंड द रीजन इज ताकि वहां से मैं कॉपी पेस्ट करके अपनी यूनिक आईडीज को दिखा सकूँ कि भाई कौन सी यूनिक आईडी मुझे चाहिए सॉरी नो वैल्यूज ओके okay. ताकि आगे जा करके गेट आइटम को टेस्ट करने के लिए हम लोग कोई से यहाँ से पर्टिकुलर आईडी को फेच करके टेस्ट कर सकें सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐड आइटम तो वापस जाएंगे एड uh, अपनी ए के अंदर वेर इज दिस वेरी गुड तो ऐड आइटम रिक्वेस्ट डेटा हम लोग जेसन एक्सेप्ट करते हैं विच इज़ परफेक्टली फाइन तो आपके पास में एक जेसन ऑब्जेक्ट आ जाता है uh, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली जिस नेम एंड प्राइस राइट अब इसके आगे हमें क्या लगाना है वी हैव द जेसन ऑलरेडी वी हैव द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी राइट तो हमारे पास में आइटम्स नाम की डिक्शनरी है दैट्स परफेक्ट सो वट आई डू इंस्टेड ऑफ अ पेंडिंग दिस रिक्वेस्ट डेटा इन टू लिस्ट क्योंकि लिस्ट नहीं है अब सो वट वी आर गोइंग टू डू दिस एंड यहाँ पे जा कर के हम लोग यूनिक आई डी को यूज़ कर लेंगे सो द वे वी यूज द यूनिक आई डी वट वॉज दैट इट वॉज़ वेरी सिंपल इट वॉज फ्रॉम यू यू आई डी इम्पोर्ट यूयू आई डी फोर्ट ऐसे भी कर सकते हैं और आई जैसे इम्पोर्ट यू आई डी एंड डाउन देअ दिख देंगे डॉट एक्स ठीक है तो इससे आपकी यूनिक आई डी का एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा आज से इक्वल टू जो भी आपका रिक्वेस्ट डेटा आया है वो राइट एक तरीका है करने का इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन जस्ट कॉपी दिस इंस्टेड डेटा इसका फायदा क्या होगा वी डोंट हैव टू दिस वेरिएबल है छोटा सा आपका कोड हो जाएगा राइट बट या आई थिंक दिस इज फाइन इतना करने के बाद में अ न्यू आइटम आइटम मैंने कहा गेट से अभी हमारे पास में दो आइटम्स हैं राइट इन एड आइटम लेस एड दिस बेडी मैरी गेट आइटम्स अगेन तो यहाँ पे आपके पास में एक न्यू यूनिक आईडी के साथ में आपका नया आइटम एड हो गया परफेक्ट तो अब आपकी तीनों ए पी ऊपर वाली चल रही है परफेक्टली नेक्स्ट आपका आता है दिस एप डॉट पुट तो ऐप डॉट पुट में हम लोग क्या करते थे कि वी चेंज अ पर्टिकुलर पहले चेक करते थे कि आपका नेम मैच हो रहा नहीं हो रहा अगर नेम मैच हो रहा है तो उसका प्राइस हमें अपडेट करना है सो वी कैन जस्ट अपडेट इट राइट तो हम नेम से बाकी उसका डेटा अपडेट कर रहे थे तो लैस से कि अगर हमें नेम ही चेंज करना हुआ उस केस में हम लोगों को पहले डिलीट करना था नेम उसके बाद में ऐड करना था राइट नया आइटम तो अब हम लोग आई के थ्रू नेम या प्राइस कुछ भी चेंज कर सकते हैं दैट्स द बेस्ट पार्ट सो इंस्टेड ऑफ यू नो यूजिंग दिस फॉर आइटम्स इन आइटम एंड ऑल्सो हेयर अपडेटिंग द आइटम सिर्फ दो चीज़ें हम यहाँ भेज रहे हैं सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू सेंड द आई डी ठीक है तो अब एक तरीका है कि हम लोग इसको ऐसे भेजें राइट? Right? और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी आई डी दें जो भी आई डी है और उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम बना दें इस डिक्शनरी के लिए इट वुक समाइक दिस राइट ये हमारी आई डी हो जाएगी एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि आईडी को हम पास करें पैरामीटर में ठीक है कि आपकी आईडी क्या है और उसकी वैल्यूज हमें क्या स्टोर करवानी है आई थिंक दिस विल मेक मोर सेंस और थोड़ा सा डेवलपमेंट भी ईजी हो जाएगा सो लेट्स डू दिस वन ठीक है तो इंस्टैट कि आप लोग uh, सारी चीज़ें ऐसे रिसीव करो लेट्स रिसीव इट द वे बी अर्ली अर्लीयर रिसीविंग इट सिंपल तरीके में जस्ट एक एन ऑब्जेक्ट राइट और जो आईडी है आपकी जिस जहाँ पे जाके आप उसको अपडेट करना है वो आईडी हम ले रहे हैं इस पैरामीटर के अंदर ठीक है तो आईडी आईडी आई डी कोई को भी आईडी मेंशन कर देंगे प्लस से यहाँ से मुझे ये ग्रीन एप्पल मोई तो को चेंज करना है सो आई जस्ट कॉपी दिस कॉपी करके यहाँ पे अपडेट आइटम के अंदर आल जस्ट पेस्ट दिस ठीक है तो सॉरी इन द पैरम्स आल जस्ट पेस्ट दिस ये करेगा क्या ये आपकी जो ग्रीन एप्पल मोई है इट विल बी जस्ट एप्पल मोई उसको हमें इसमें चेंज करना है ठीक है एलस हैव द सेम प्राइस इवन इफ यू वॉन्ट टू चेंज द प्राइस यू कैन चेंज इट तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ़ हम लोग सिर्फ प्राइस पहले चेंज कर रहे थे वी कैन चेंज एवरी बिकॉज नाउ वी हैव द यूनिक आई ओके तो अब हमें ये ए को डेवलप करना है तो बिल्कुल सिंपल हो गया हमें ऑलरेडी पता ही है कि इसके में सेकेंड तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है कि आ, भाई हमारे पास में यूनिक आईडी है ठीक है तो हमें ये पूरा फॉर्मुट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड देन इसमें इस रिक्वेस्ट डेटा के अंदर हमारा क्या डेटा आ जाएगा इस रिक्वेस्ट डेटा के अंदर हमारा डेटा आ जाएगा ये वाला एप्पल मोई तो वन एटी तो अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट हमें क्या चाहिए नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए आ, जो हम पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हैं वहाँ से राइट और पैरामीटर के अंदर से हम कैसे निकालते हैं इस तरीके से वी हैव ऑलरेडी डन दैट राइट सो आई जस्ट कॉपी दिस इन अपडेट आइटम आई जस्ट पेस्ट दिस हेयर तो हम लोग पैरामीटर से आईडी को निकाल लेंगे और बॉडी को निकाल लेंगे आपके बॉडी uh, के अंदर से राइट एंड देन बिल्कुल सिंपल है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आइटम्स के पास में जो आईडी थी हमारे पास में जो पर्टिकुलर आईडी हम रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर का डेटा अपडेट कर दो अपडेट करने का वही सेम तरीका हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं दिस रिक्वेस्ट डेटा राइट right? सिंपली आपका ये चल जाएगा अनदर थिंग वी कैन डू इज जस्ट गेट दिस रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन हेयर इंस्टेड ऑफ देश हेयर और इस वेल लाइन को हम लोग हटा सकते हैं अब जस्ट लाइक वी डेट विद दिस एड आइटम इवन हम लोग इसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं अप टू यू आइज जैसे आपको ज़्यादा बेटर लगे ओके okay? तो इतना करने के बाद में ओके uh, okay, यहाँ पे एक और मैसेज भी था रिटर्न मैसेज गिवन रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है तो अब अगर आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं भी करता है ना वो तब भी नया रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड कर देगा सो इट विल बी अ काइंड ऑफ एपीआई जो आपकी लेट मी डू वन थिंग पहले इसको दिखाते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इट सो आई जस्ट से आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या किया यू you नो know, uh, गए वापस पोस्टमैन के ऊपर टिक 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 और यहाँ पे हम लोगों ने एप्पल मोई तो पास किया परफेक्ट है अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ लेट्स चेंज इट बैक टू ग्रीन एप्पल मोई तो एंड इट ठीक है तो आपका आ गया आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली अगर आप आइटम्स पे जाओगे यहाँ पे क्लिक करोगे दिस इज़ परफेक्ट राइट अब आपको मोमोज़ के प्राइस को चेंज करना है सो वट यू विल डू आप इसकी आई कॉपी करोगे अपडेट आइटम में जाओगे इसके पैर में आईडी को अपडेट कर दोगे राइट एंड इन द बॉडी यहाँ पे आप इसका प्राइस अपडेट कर दोगे लस्से मोमोज और इसका प्राइस कर दिया हमने हंड्रेड राइट आई जस्ट सेंड इट आइटम अपडेट सक्सेसफुली आ गया यहाँ पे और आप नेक्स्ट uh, टाइम अगर आप गेट आइटम्स वाली ए पे को कॉल करोगे यू गज कैन सी द अपडेटेड प्राइस हेयर लेकिन अगर कोई बंदा आया उसने क्या किया यहाँ पे जो आईडी थी वो कुछ गलत डाल दी लस इसके अंदर सेवन की जगह एट हो गया आईडी का और उसको सेंड किया तो यहाँ पे मैसेज हमारा आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली अब वो आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है इवन हमारा जो इस आईडी का आइटम है वो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर आप गेट आइटम्स में जा करके के इसको सेंड करोगे तो यहाँ पर एक नया आइटम क्रिएट हो गया मोमोज नाम का सो दैट्स द इशू कि अगर आपकी आइडिया एग्जिट नहीं करती है तो वो एक नया क्रिएट ना करें इंस्टेड ऑफ़ दैट जस्ट आपका मैसेज आ जाए कि भाई ये वाली आईडिया उसको मिली नहीं सो दिस इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू टू ठीक है तो वापस आएंगे यहाँ पे आ जिस ओपन दिस और जहाँ पे हम लोगों ने अपडेट किया था आइटम को सो so इससे पहले कि हम लोग अपडेट uh, करें ठीक है ले चेक इफ आई डी एन जो आपकी आईडिया आपने लिखी है इफ़ id in items dot keys ठीक है अगर वो ऑलरेडी उसकी कीज में आई डी एग्जिस्ट करती है इन दैट केस ऑनली हम लोग ये वाली चीज को करेंगे ठीक है किसको करेंगे ये return करेंगे. ये रिटर्न करेंगे आपका आइटम सक्सेसफुल रिटर्न हो गया एंड ऑल्सो अगर ये होता है तो टू हंड्रेड आना चाहिए राइट इंस्टेड ऑफ दिस फोर जीरो फोर जो कि आपका आता है नॉट फाउंड तो हम जो आईडी कॉल करते वो गलत कर रहे थे राइट right? सो so, अगर आपका ये नहीं मिलता है अगर आईडी आपकी नहीं है इन दैट केस एल्स वी कैन जस्ट से रिटर्न मैसेज नॉट फाउंड ठीक है और यहां पे हम कर देंगे फोर जीरो फोर ओके और इसको एक्चुअली हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं हैविंग अ वेरिएबल हेयर जिसके अंदर हम सिर्फ ये आपका मैसेज और स्टेटस कोड को हम स्टोर करवा सकते हैं सो अगेन अप टू अस कि किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैंने इसको इतना किया इस बार अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और आई दस्ट कॉल दिस गेट आइटम्स दो ही आइटम हैं प्लस टू वन थिंग इसी को कॉपी करते हैं एंड जाएंगे अपडेट आइटम के ऊपर एंड आई पेस्ट इट हेयर और बॉडी में जा कर के हम इसको चेंज करते हैं आपका का आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली एंड इफ इन द केस आई एम चेंजिंग समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल लाइक दिस वन तो हमारा मैसेज आना चाहिए नॉट फाउंड ठीक है प्लस आइटम नॉट फाउंड ठीक है नेक्स्ट टाइम भी आइटम नॉट फाउंड हो जाएगा यहां पे आ जाएगा आपका नॉट फाउंड एज़ वेल तो ये हमको करना था ये भी हो गया अब लास्ट हमारी एपीआई है यह यहां पे जो हमें अपडेट करनी है दैट इज स्लैश आइटम फॉर श्योर एंड देन वी आर गोइंग टू डिलीट द आइटम अगर हम डिलीट वाले ई पी आई कॉल करते हैं उस केस में हमें क्या करना है तो यहाँ पे आ, हम लोगों ने लिस्ट का एक आइटम अगेन हम लोग को फॉरल यूज करने की जरूरत नहीं है जो कि काफ़ी हेल्प करेगा हमारा इसको फास्ट यू नो अपमाइज करने के लिए कोर्ट को हमारा और टाइम भी कम लगेगा सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिलीटिंग फ्राम देअर वो और इंस्टेड ऑफ़ ऑल्सो रिसिविंग द नेम वी आर गोइंगीव दीयर जो भी हमें आइटम डिलीट करना है एंड सेम इस तरीके से पहले मैं चेक कर लूंगा अगर आपकी आई एग्जिस्ट करती है तभी हम उसको डिलीट करेंगे ठीक है so, सो uh, राइट right? और उसकी वैल्यू को भी सो वंस इट्स डन वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस मैसेज तो इसको मैं इफ के अंदर डाल देता हूँ एंड दिस विल बी इन साइड दिट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट सॉरी रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिट फोर फोर ओ फोर ठीक है इस केस में बाई डिफ़ॉल्ट आपका टू जीरो जोरी आता है सो so आप ऐसे मैंशन भी कर सकते हो या उसको नहीं भी मैंशन कर कर सकते हो इस अप टू यू बाई डिफ़ॉल्ट आपका टू जीरो जोरी होता है तो इतना करने के बाद में एक चीज़ यहाँ पर और भी चेंज कर सकते हैं दैट इज़ कि अगर आपका आई डी की के अंदर है मतलब आइटम्स के अंदर है तब हम ये रिटर्न कर रहे हैं राइट right? अगर वो इसके अंदर नहीं होगा वी डोंट हैव टू एक्चुअली एल्स हेयर रिटर्न स्टेटमेंट को बाहर लिख देते हैं क्योंकि अगर आपका होगा तो यहीं से आपका मैसेज रिटर्न हो जाएगा लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी राइट सो वी डोंट हैव टू मेंशन द एल्स पार्ट सो आई जस्ट रिमूव द एल्स पार्ट एज वेल और इसको हम इफ ब्लॉक से बाहर ले आते हैं ओके okay जी सो दिस वे वी हैव ऑप्टिमाइज आर कोड तो इसको डिलीट ए पी को जाकर के फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं वी हैव डिलीट ए पी आई तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है गेट आइटम्स पे जाना है दोनों आइटम उठाने हैं इस आईडी को मैं कॉपी करूंगा एंड गो टू डिलीट आइटम में हम नेम की जगह दिस टाइम वी आर एक्सेप्टिंग आई डी देट एज वेल इन स्मॉल लेटर्स और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दूंगा आई एंड आर जस्ट डिलीटेड तो आ गया रिकॉर्ड रिकार्ड डॉजिस्ट वो कह रहे हैं कि भाई ये वाला रिकॉर्ड तो मिला ही नहीं हमें सो लेट्स गो बैक टू क्योंकि ये रिकॉर्ड अभी भी मैंने गेट आइटम से कॉपी किया है सो दिस रिकॉर्ड शुड एग्जिस्ट एक्चुअली राइट सो so, uh, इसको हम वापस जाएंगे यहाँ पे जाकर के चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है सो हेयर वी से ओके ओके क्योंकि मैंने यहाँ पर uh, क्या पास कर दिया नेम वट वी आर रिसीविंग यर इज आई डी और उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं राइट सो दिस टाइम इट शुड वर्क फाइन सो इफ आई जस्ट गो टू डिलीट आइटम सेंड इट तो आ गया आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसको सेंड करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड डिजेंट एग्जिस्ट क्योंकि उसको हम डिलीट कर चुके हैं सो वी आर गोइंग टू गेट बैक टू गेट आइटम्स एंड क्लिक ऑन सेंड अगेन

तो सारा डेटा आपका यहीं पर रहेगा अभी और इस टेस्ट डॉट पाई की हमें जरूरत नहीं है सो आई जस्ट डिलीट दैट एंड इन साइड एप डॉट पाई वट वी आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम डी बी एम्पोर्ट आइटम्स तो जहाँ जहाँ भी आइटम्स यूज हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली आपका डी बी डॉट पाई से यूज हो जाएगा तो इफ़ यू गेट बैक गेट आइटम्स परफेक्टली चल रहा है यू हैव एड आइटम्स प्लस अ न्यू वन क्लिक गेट आइटम्स दिस ऑल्सो वर्क फाइन राइट दिस ऑल्सो वर्क फाइन एंड देन अगर आपको पर्टिकुलर आइटम गेट करना है लस से दिस प्लडी मैरी सो आई जस्ट कंट्रोल सी दैट एंड गेट हेयर एंड फेस दैट हेयर सेंड इट आपका ये भी चल रहा है सेम हेयर अपडेट आइटम और डिलीट आइटम भी आपकी ए पी आई परफेक्टली चल रही हैं सो आई थिंक या देट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज आई थिंक वी हैव सीन एवरी थिंग दैट वी नीडेड टू डू और आपका कोड पहले से कहीं ज़्यादा सिम्पल हो गया है